नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य सलोनी और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे कोटक बैंक ऐप को यूज कर सकते हो, उसमें कैसे पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, या कैसे आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हो, या कैसे आप उसके अंदर पासबुक अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप वो सारी चीज़ें कैसे यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैंने पूरी कोटक बैंक के ऐप के बारे में बताया कि कैसे आपका MPIN चेंज करना है। मैंने पूरी ऐप का रिव्यू बनाया है, तो अभी अभी इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई कमी लगती है, आपको लगता है कि इसके अलावा अभी कुछ और होना चाहिए या किसी और बैंक की ऐप का आपको रिव्यू ऐसा ही चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन पर, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने ना मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर ली है, जहाँ पर मैं आपको कोटक बैंक ऐप के बारे में बताऊंगा। अभी अगर आप ये कहो कि डायरेक्ट आपने स्क्रीन ही क्यों नहीं रिकॉर्ड की, तो एक्चुअली क्या है कि जो बैंक्स की ऐप हैं और जो कुछ हाई सिक्योरिटी ऐप हैं, उनमें आप जब स्क्रीन को यूज़ करोगे तो वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और वहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वो अपना एक्सेस नहीं देती है, वहाँ पर ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। बस इसलिए ये अलग से एक मोबाइल यूज करके तब इसको करना पड़ रहा है। तो अभी हम ये हमारी कोटक बैंक ऐप है, इसको हम ओपन करेंगे। अगर आपने इसको लॉगिन कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो उसके बारे में बता दूंगा कि आपको कोटक बैंक ऐप के अंदर लॉगिन कैसे करना है CRN नंबर से। जैसे ही आप ऐप के अंदर लॉगिन कर लोगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसके अंदर आपका ये पूरा अकाउंट नंबर नहीं बताएगा। यहाँ पर आप जैसे इस व्यू बैलेंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपसे आपकी टच ID मांगेगा या आपका यहाँ पर MPIN मांगेगा, आप दोनों में से जो भी डालोगे तो उसके बाद आपकी ऐप यहाँ से ओपन हो जाएगी और आपका ना यहाँ पे बैलेंस शो करने लग जाएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका बैलेंस यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे फ्रीक्वेंटली यूज जो ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ अकाउंट ओवरव्यू में नीचे भी दिखाई देंगे, और अगर आप यहाँ से भी उसको ओपन करोगे तो यहाँ से भी ओपन करने के बाद वही सारे ऑप्शन आपके दिखाई देंगे। तो उसके अलावा कुछ ऑप्शंस इस ऐप के अंदर जो आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी एक्सेस कर सकते हो, तो आज मैं उन सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो जब आप अपनी ऐप को ओपन करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टच आईडी देनी है, जिसके बाद यहाँ पे आपका इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर ये आपका बैलेंस बताएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो अपनी, आपकी ट्रांजेक्शन कितनी कितनी हुई है, यहाँ पर आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन अभी दिखा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर लास्ट वीक करके पूरे लास्ट वीक की ट्रांजैक्शन देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ मंथ और कस्टम डेट का भी ऑप्शन आता है, जिसमें आप डेट कस्टमाइज करके जब से जब तक कि आपको ट्रांजैक्शन आपकी देखनी है वो आप देख सकते हो। उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं अकाउंट ओवरव्यू में, भी सेम आपका वही चीज़ें दिखाएगा जो चीज़ें वहाँ पर दिखा रहा था। उसके बाद आपकी यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी है, अकाउंट एक्टिविटी में आपकी ट्रांजेक्शन दिखाएगा, सेम आपका यही ऑप्शन नीचे भी रहेंगे लेकिन नीचे आपके ऑप्शन बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आजकल आप जो देख रहे हैं कि भी फोन पे वाली ऐप या फिर जैसे गूगल पे ऐप है, उनमें ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलता है, और अगर आपके फ़ोन की रैम मेमोरी कम है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्कैन और पे कर सकते हो किसी भी मर्चेंट को। जहाँ पे आपको पे करना तो आपको डायरेक्टली यहाँ से स्कैन एंड पे पे क्लिक करना है, आपका यहाँ से QR कोड स्कैन होने के लिए आ जाएगा, तो आप उसके बाद यहाँ से QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ आता है सेंड टू माय बेनिफिशरीज, जो आपकी ऑलरेडी बेनिफिशरीज है जिनको आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप उनको एक बार डाल के एक्टिवेशन के बाद सेव कर सकते हो, फिर आपको दोबारा कुछ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उनको पैसे सेंड कर सकते हो। ये उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बैंक पे, बैंक पे आपको अकाउंट ओवरव्यू मैंने आपको बताया अभी। उसके अलावा अकाउंट एक्टिविटी, अकाउंट स्टेटमेंट आ गया है, आपको अगर अपनी अकाउंट स्टेटमेंट निकालनी है तो आप यहाँ से एक मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट, 3 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट, 6 मंथ की, या कस्टमाइज करके जैसे भी आपको निकालनी है वो आप यहाँ पे डाल के उसके उसको आप दो तरीके से मंगा सकते हो, पोस्ट से भी मंगा सकते हो और ईमेल से मंगा सकते हो। आजकल ऑलमोस्ट जहाँ पे भी आपको चाहिए आप ईमेल से मंगा के उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल पे जाना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका ये डेट और नंबर वगैरह बताएगा, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलेगा। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ कंफर्म कर दीजिए, 1-2 दिन के अंदर आपकी स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। हो सकता है इसमें कभी कभी ज्यादा टाइम भी लगता है, 1 वीक तक का टाइम भी इनमें कभी कभी लग जाता है आपके अकाउंट स्टेटमेंट आने में।
उसके बाद फिर आता है यहाँ पे आपका फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आप अगर अपने अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट जो आरडी हम बोलते हैं पर मंथ जिसमें पैसिव डिडक्शन होते हैं वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आप यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन रिकरिंग डिपॉजिट और ओपन फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा। आपको अगर रिकरिंग डिपॉजिट जैसे अगर आपकी सैलरी है आप उसमें से हर महीने 3,000 रुपए सेविंग करना चाहते हो जो आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाए तो वो आपकी सैलरी आते ही हर महीने कट जाएगी, वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो अलग से बना दूंगा। ऐसे ही आपकी एफडी, अगर आपको एफडी स्टार्ट करानी है तो एफडी के लिए भी आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी आरडी और रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट कैलकुलेटर भी है, आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने कितने पैसे आपके बनेंगे जब आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे। उसके अलावा आप बाकी के रेट्स भी देख सकते हो कि एक साल में आपको कितने पैसे मिलेंगे डिपॉजिट करने के, 2 साल में, 3 साल में, ईयरली जितना भी है, इसमें सारी डिटेल है। और बाकी अलग अलग जो सिनेरियोज रहते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद नॉमिनी अपडेट भी कर सकते हो, आप कोई नॉमिनी डाल रखा है आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपका वन व्यू जब आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट और अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सब चीज़ें आपकी यहाँ से दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ पासबुक। इसमें कि आपकी जो पासबुक है वो आपकी ऑनलाइन स्टेटमेंट, जैसे अभी मेरी अकाउंट स्टेटमेंट जो है मेरी जीमेल आईडी पे आ जाती है क्योंकि मैंने पासबुक नहीं ले रखी। अगर आप पासबुक को ले लोगे तो आपकी स्टेटमेंट जीमेल आईडी पे आनी बंद हो जाएगी और वो आपकी पासबुक ही आपको अपडेट करानी पड़ेगी। और उसके अलावा प्रिंटेड स्टेटमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। और उसके अलावा होम ब्रांच अगर आपको अपनी चेंज करनी है तो आप यहां से डायरेक्ट ऐप से ही होम ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा अकाउंट का वेरिएंट अपग्रेड करना है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है उसको क्रेडिट अकाउंट में या फिर किसी और अकाउंट में अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज करा सकते हो। बुक चाहिए या आपको अगर कोई आपके चेक हैं जो आपको कैंसिल करने हैं, किस चेक नंबर यहाँ पे आपका डालोगे तो आपका स्टेटस आ जाएगा, जो भी आपका चेक नंबर है उसका भी क्या स्टेटस है, वो यूज हो चुका है नहीं हुआ है, उससे कितने पैसे निकले, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका चेकबुक का ऑप्शन आता है जिसमें आप यहाँ से चेकबुक रिक्वेस्ट, पेज की चेकबुक चाहिए या 50 पेज की चेकबुक चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पे कौन से चेक से कौन से नंबर तक का आपका चेक जो है आप उसको कैंसिल कराना चाहते हो। अगर आपकी चेकबुक खो गई है आपको ये चेक कैंसिल कराने हैं, अगर कोई और अप्लाई कर दे आपने साइन कर रखे तो आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके चेक अप्लाई नहीं होंगे और कोई भी आपका बैलेंस ऐसे नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद फिर हमारा आता है लोन। लोन्स के बारे में बहुत सारे लोगों को जानने के लिए इच्छा रहती है तो अभी इसमें आपको क्या है, अगर आप कोटक बैंक ऐप यूज कर रहे हो तो आपको यहीं से आप डायरेक्ट लोन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सैलरी, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, कंज्यूमर, तो आपको इसमें क्या करना है, सारे लोन्स है, अगर आपको कोई भी लोन अप्लाई करना है तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अभी कोई लोन नहीं है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। आपकी यहाँ पे सिंपल डिटेल्स डलेंगी आपके लोन के अकॉर्डिंग, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है पे एंड ट्रांसफर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर मनी जो है, पैसे आपको कैसे ट्रांसफर करने हैं उसके बारे में मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका आपको लिंक अभी आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि आप कोटक बैंक से पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप यहाँ से जाके यूज कर सकते हो। उसके अलावा बिल पे और रिचार्ज, अगर आपको बिल पेमेंट और रिचार्ज के लिए जाना है, अगर आपको डायरेक्ट रिचार्ज करने हैं यहीं से तो आपको सिंपली पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एम पिन मांगेगा, जो डालने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपके गैस, बिजली बिल, जो सब चीज़ें हैं वो सारे यहाँ आपके आ जाएंगे कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। और उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली उन सब चीज़ों की पेमेंट कर सकते हो। ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप इंश्योरेंस, लोन रिपेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, डोनेशन, रेंटल पेमेंट, ये सब चीज़ें आप यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका नीचे आता है स्कैन एंड पे के बारे में, मैंने आपको बताया कार्ड लेस कैश
कार्डलेस कैश विड्रॉल, ये आपका जैसे एटीएम में आप जाते हो तो कार्डलेस कैश विड्रॉल आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में है, और वन टाइम ट्रांसफर है कि आपको अगर एक बार फंड ट्रांसफर करना है या आपको बार बार करना है। अगर आपको एक बार ट्रांसफर करना है किसी को फंड तो आप एक बार यहाँ पे अकाउंट की डिटेल डालिए, जब अकाउंट नंबर या यूपीआई से पेमेंट करनी है जिससे भी आपको पेमेंट करनी है आप एक बार उसकी डिटेल डालिए और पेमेंट कर दीजिए। और अगर आपको बार बार उससे पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आप उसको एक बार सेव कर लीजिए, एड मैनेज और एड बेनिफिशियरी पे जाके उसको सेव कर लीजिए, और उसके बाद आप बार बार उसकी डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, सिर्फ आपको अमाउंट डालना है और आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा जब बिल और पेमेंट की दूर उस पर यहाँ पे डायरेक्ट भी मैंने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं क्विक स्पॉट के लिए, मोबाइल रिचार्ज जैसे डीटीएच रिचार्ज है ये सब आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों का ऑटो पे भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको ऑटो पे स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा और उसके बाद आप किसी भी चीज़ को अगर ऑटो पे करना चाहते हो यहाँ से आप पे कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन भी है, आप अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना चाहते हो किसी भी, या फिर आपका कोटक का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ्लाइट नंबर और यहाँ से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, ग्रोसरी, और ये ऑलमोस्ट जो यहाँ से ऑलमोस्ट जो लिंक्स हैं वो सारे फ्लिपकार्ट के ऐप के हैं। जहाँ आप जाओगे डायरेक्ट तो आप फ्लिपकार्ट के ऐप पे चले जाओगे जहाँ पे जाके आप कुछ चीज़ों को खरीद सकते हो। अगर जैसे मैंने क्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया है तो मैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में चला जाऊँगा जहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीद सकता हूँ। और यहाँ पर आपका नीचे आता है कार्ड्स, जो आपके अलग अलग कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोटेक ऑफर्स, फोरेक्स कार्ड इमेज। क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है कोटेक का वो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड का ओवरव्यू अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो, क्रेडिट कार्ड की अकाउंट समरी, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बैलेंस ट्रांसफ़र, जैसे अगर आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड की सर्विस रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए सर्विस रिक्वेस्ट करनी है तो आपको यहाँ पे। उसके बाद फिर आप आगे सारे स्टेप्स फिल कीजिए, उसके बाद कोटक की तरफ से आपके पास फ़ोन आएगा और वो आपको बता देंगे कि उसके आगे आगे आपको क्या प्रोसेस करनी है, तो आपका ऐसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। सर्विस रिक्वेस्ट में ये आपका आ गया है, जैसे ही आप ये क्रेडिट कार्ड वाला एरिया क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका इन्वेस्ट का आएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट आरडी और आईपीओ और म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्ट, तो आप यहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ से आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आपको आरडी या एफडी या उसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं और पर्सनल लोन जो जो चीज़ें हैं ये गोल्ड लोन, कार लोन और बाकी जितने लोन्स अगर आप वो लेना चाहते हो या डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट 5 मिनट में अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके अलावा टू व्हीलर लोन और बाकी के भी जो लोन हैं वो सारे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आपको वो सारे लोन यहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद फिर पॉलिसीज हैं, अगर आपको इंश्योरेंस के लिए कोई भी पॉलिसी खरीदनी है या आपको अपना इंश्योरेंस करवाना है या आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन में आपको कोटक 811 वाली पॉलिसी और इंश्योरेंस वगैरह भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आप अपना और अपनी फैमिली का इंश्योरेंस करवा सकते हो। यहाँ पे नीचे मिलेंगे आपको अप्लाई नाउ में वो चीज़ें मिलेंगी जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपके लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गया या आपका अकाउंट ओपन हो गया, वो सब आप यहाँ से अप्लाई के बाद क्रेडिट कार्ड में आपका सिंपल क्रेडिट कार्ड रहेगा। उसके बाद जब आप सर्विस रिक्वेस्ट में जाओगे तो आप यहाँ से अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट, चेक सर्विस रिक्वेस्ट या फिर कार्ड की सर्विस रिक्वेस्ट या स्टेटमेंट सर्विस रिक्वेस्ट या आपका कोई पैकेज आना है कोटेक की तरफ से तो आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का रहेगा कि आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे तो वो सब यहाँ पे आपके आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट आपको करनी तो आप सारी यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका की माल, जो शॉपिंग का मैंने अभी बताया कि ऑलमोस्ट इसकी फ्लिपकार्ट से रिलेशनशिप के साथ ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट के ऑप्शंस पे चली जाएंगी। उसके बाद फिर आपका रहता है पेमेंट, पेमेंट आपको कैसे करनी है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है कि आपको कैसे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो सारी आप यहाँ से उस वीडियो में जाके देख सकते हो। उसके बाद फिर आता है आपका बिल पे, बिल पे में आपको मैंने बताया कि आपके जो बिल हैं वो सारे आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। बैंकिंग का आपका
जो बैंकिंग के लिए हैं, जो स्कैन पे या फिर आपकी स्टेटमेंट निकलवाना है, वो सब चीज़ें हैं वो बार बार यहीं पे आती रहेंगी। उसके बाद आपको अगर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप वो भी यहाँ से ओपन करवा सकते हो। अकाउंट ओवरव्यू में जाएंगे तो अभी आपका कोई अकाउंट ही नहीं है डीमैट अकाउंट, तो आपको पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा कोटक महिंद्रा बैंक में जाके, उसके बाद आपको इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद जो आपका लोन्स का आता है, लोन्स में आप जो जो लोन आप अप्लाई करना चाहते हो वो सारे लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में आपका फिर से इंश्योरेंस का आ जाता है कि इंश्योरेंस अगर आपको करवाना है तो आप इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हो। कोटक बैंक ऐप के थ्रू घर बैठे आपको अगर इंश्योरेंस करवाना है तो वो सारे इंश्योरेंस आप यहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपके कुछ सिंपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको वन व्यू देखना है या आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है, उसके बाद आप यहाँ से अपना एम पिन चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपना एम पिन चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, या उस आपको अगर ब्रांच या एटीएम आपके लोकेट करने हैं आपके नियर बाय में तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आपके दो क्रेडिट कार्ड या दो डेबिट कार्ड हैं तो आप यहाँ से सीआरएन नंबर अपने दूसरे डेबिट कार्ड का शुरू कर सकते हो। और अप्रूव नेट बैंकिंग लॉगिन, अगर आपको नेट बैंकिंग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे अप्रूव करानी है तो वो भी आप यहाँ से अप्रूव करा सकते हो। उसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट रहता है और कुछ सेटिंग्स रहती हैं। उसके अलावा कोटक की जो बाकी ऐप है वो यहाँ से आप स्टॉक की या म्यूचुअल फंड की या स्मार्ट सॉल्यूशन की जो ऐप्स हैं वो यहाँ से आप जाके लो सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरी डिटेल बता दी है कोटक बैंक ऐप के बारे में, और आपको सारी चीज़ बता दी कि कैसे कैसे आप कोटक बैंक ऐप को यूज कर सकते हो। अभी भी अगर आपको कोई परेशानी है कोटक बैंक ऐप को यूज़ करने में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी पूरी सपोर्ट करूंगा कि कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। अब समझ आया होगा कि कैसे आपको कोटक बैंक ऐप को यूज करना है और कैसे कैसे इसके अंदर काम करने हैं। और पैसे ट्रांसफर करने वाली जो वीडियो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको आई बटन में उसका लिंक भी मिल गया होगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।